देखिए दोस्तों, पास में स्पॉटेड डियर रोड क्रॉस कर रहे हैं और यहीं छोटा पनौत नाले के पास में देखिए ढेर सारे स्पॉटेड डियर अभी इस जगह पर घास खा रहे हैं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए काफ़ी अलर्ट होते रहते हैं। थोड़े से भी आहट कहीं पे सुनेंगे और भागना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए मुझसे थोड़ा सा दूर जाके ये शांति से घास खा रहे हैं। देखिए तो आज फिर से मौसम ख़राब है और आज संडे का दिन है। शाम होते हुए देखिए मौसम बहुत पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई। देखिए नीचे देखिए गीला होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि बारिश की बूंदें गिरने स्टार्ट हो गई हैं अभी से देखिए। और अभी तक तो काफ़ी तेज़ तूफान चल रहा था और कहीं कहीं देखिए अभी भी पेड़ हिल रहे हैं, देख सकते हैं। और देखिए आज कोसी रिवर पर जंगली सुअर दिखे हैं। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है ये पानी की खोज में इस जगह पर पहुंचे हैं। देखिए जैसे कि ना पहले इस जगह पे बारिश आई थी तो उस हिसाब से यहाँ पे पानी बढ़ने के हिसाब से देखिए इस जगह पर पानी ढेर सारा था, लेकिन अभी पानी हो चुका है ख़त्म तो ये पानी ढूंढते ढूंढते शायद यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों जो एक टस्कर हाथी मैंने आपको दिखाया था ना रोड क्रॉस करते हुए, वही टस्कर हाथी देखिए। ये रहा वीरू भाई का घर और ये है भोजी का घर और ये देखिए, देखा खतरनाक है ना। काफी जबरदस्त है। ये 9 बजे के आसपास दिन में आप देख पा रहे हैं गांव में को घुस रहा है। देखिए गांव में रहता है जस्ट इसी जगह पे एक टस्कर। इसने भी अपने ऊपर घास से मिट्टी डाली है, मिट्टी के रही नीचे डाली इसने मिट्टी अपने। आज मैं आपको उसकी पूरी मूवमेंट दिखाऊंगा।
तक तो आपने इस जगह पे देखा, अभी देखना ये कोसी रिवर पे जाएगा शायद पानी पीने के लिए। गर्मी काफी हो चुकी है। ये वहां से कोसी रिवर पर उतर चुका है। और मैं आ चुका हूँ कोसी रिवर पे। देखिए एलिफेंट जा रहा है पानी पीने के लिए। दोस्तों जैसे ही हाथी ना आगे एक पेड़ के सामने में जाके रुका और अचानक वहाँ से भागना स्टार्ट हो गया। मुझे शायद ऐसा लगता है कि आगे कहीं ना कहीं टाइगर बैठा हुआ है जो हाथी इतना तेज स्पीड से भाग रहा है। मुझे यहाँ से साइड होना चाहिए। और हाथी वहाँ से निकलकर आगे सावन वाले जंगल में आ चुका है। और आज मौसम भी ख़राब होने वाला है। देखिए बारिश की आवाज़, यानी कि जो बादल गरज रहे हैं ना, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। मुझे तो ऐसा लगता ना कि आगे कहीं ना कहीं टाइगर बैठा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर वहाँ अपना खाना खा रहा हो, एकदम हाथी उस जगह पे पहुँचा तो एकदम उसको एहसास हो गया हो कि यहाँ पे टाइगर है, तो इसीलिए हाथी वहाँ से भागकर यहाँ पे आ चुका है। देखिए अभी
गिद्ध जो ऊपर से उड़ रहे हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।